हाय फ्रेंड्स, हमें ये विकफील्ड की तरफ से बॉक्स ऑफ लव आया था जिसके अंदर पांच तरह की चीज़ें थी। उसमें था विकफील्ड का कोको पाउडर, विकफील्ड का एल्बो पास्ता, बेकिंग पाउडर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर और पास्ता मसाला ट्विस्ट। इसमें से आज मैं यहाँ पे ये कस्टर्ड पाउडर से कैरमल कस्टर्ड बनाऊँगी, एगलेस कैरमल कस्टर्ड। तो आइए हम देखते हैं एगलेस कैरमल कस्टर्ड की रेसिपी। ये कैरमल कस्टर्ड जनरली एग के साथ बनता है, पर आज हम यहाँ पे एगलेस बनाएंगे, कैरमल बना के फिर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये एकदम चिल्ड सर्व किया जाता है, जितना ये ठंडा होगा उतना ही खाने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे तरीके से एकदम कट रहा है। ये कस्टर्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ पांच इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। बनने में इसे हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, सिर्फ सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 घंटे इसे सेट होने में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बना है। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए 1/4 कप शुगर एक पैन में ले ली है मैंने। आप वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है, इसका हमें कैरमेल बनाना है। तो ये 1 या 2 मिनट ऐसे ही पैन में रहने दें और फिर इसे चलाते रहें कंटिन्यूसली। इसे हमें जलाना नहीं है, अगर आप जला लेंगे तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये गोल्डन कलर आ जाए तब और शुगर मेल्ट हो जाए तब आपको इसे आंच को बंद कर देना है और एक टिन के अंदर ले लेना है। और ये काम हमें बहुत क्विकली करना है क्योंकि कैरेमल है वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। डाल के तुरंत इसे आपको इस तरीके से घुमा लेना है ताकि ये जो कैरेमल है पूरे टिन में बेस के अंदर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए मेरा थोड़ा सा लेट हो गया तो साइड्स छूट गए, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में 1 कप दही डालेंगे, 1 कप हमें दूध डालना है और 1 कप हमें कंडेंस्ड मिल्क डालना है। आप कप की जगह कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं, कटोरी घर में जो कटोरी होती है वो भी आप मेजरमेंट के लिए आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम विकफील्ड का कस्टर्ड पाउडर यूज़ करेंगे, ये वैनिला फ्लेवर में है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमें कस्टर्ड पाउडर डाल देना है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत मस्त है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून जितना वैनिला एसेंस डाल दूँगी और इन सब को हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अब ये मिक्सचर जो है वो ठंडा हुआ है जो कैरमेल का टिन उसके अंदर डाल देना है हमें। ये कैरमेल डाल के आपको एकदम टिन को ठंडा कर देना है। अब यहाँ पे हम एक फॉइल पेपर से अच्छे से टाइटली रैप कर देंगे टिन को, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। और इसे 30 मिनट्स के लिए हम स्टीम करेंगे। आप देख सकते हैं अभी 30 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं ये टिन निकाल दूंगी और टिन निकाल के एक स्क्रूअर या टूथपिक डाल के हमें चेक करना है कि हमारा कैरेमल जो है कस्टर्ड जो है वो सेट हुआ कि नहीं। टूथपिक क्लीन निकले इसका मतलब सेट हो गया। इसे 4 से 5 घंटा आप फ्रिज में रख दें और फिर फ्रिज में रखने के बाद निकाल के इस तरीके से इसके पहले साइड्स को लूज़ कर दें। जब हम अनमोल्ड करें तो वो अच्छे से बाहर आए। अब एक प्लेट को उसके ऊपर रख कर टिन को फ्लिप कर दें और थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से टैप करें। इसको थोड़ा निकलने में टाइम लगेगा पर ये आराम से निकल जाएगा और टिन को उठा ले। आप देख सकते हैं ये कैरमेल का जो सिरप है वो कितना अच्छे से बाहर आया है और एकदम बहुत ही टेम्पटिंग बना है। अब इसे हम कट करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली कट हो रहा है और रेडी है हमारा कैरमेल कस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करें और फीडबैक दे कमेंट्स के अंदर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ कुछ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।